ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं ईशान अरवाल, आज खबर चौमहला राजस्थान से। झालावाड़ जिले के चौमहला में अघोषित बिजली कटौती, पानी व किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा के बैनर तले चौमहला व नागेश्वर उन्नयन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में नगर में रैली निकालकर एसडीएम को राज्यपाल व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे ज्ञापन ने बताया कि जिले में विद्युत व्यवस्था ठप हो चुकी है। सरकार जनता को मूलभूत आवश्यकताओं को देने में हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। लोड शेडिंग के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 घंटे कटौती की जा रही है, जिसका कोई टाइम नहीं है। आम जनता व किसानों का जीना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया वायरस, बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। बिजली कटौती से पेयजल की समस्या आ रही है। पेयजल आपूर्ति गड़बड़ा गई है, पेयजल नहीं मिल रहा है। सरकार इस ध्यान दे, भीषण गर्मी में बिजली पानी की सख्त आवश्यकता होती है, जो सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। जिला कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में अतिवर्षा से किसानों की नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवा कर बीमा क्लेम व मुआवजा दिलवाने की मांग की है। सहकारी समिति में आगामी फसल के लिए खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। ग्राम पंचायत चौमहला में पशु हाट लगता था, जो कोरोना काल में 2 वर्षों से बंद पड़ा है, उसे पुनः शुरू करवाया जाए। किसानों को पशुओं को क्रय विक्रय करने में परेशानी उठानी पड़ती है। कृषि कनेक्शन में जिन किसानों की डिमांड जमा हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र कनेक्शन दिए जाए। किसानों के बिल फसल तैयार होने तक रोके जाने की मांग की है। अंत में रैली का कई भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस रैली में चौमहला उन्हेल मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता व क्षेत्र के किसान भाई सहित नगर की जनता उपस्थित रही। संवाददाता किशोर तमन की रिपोर्ट, चौमहला राजस्थान से। खबर अधिकारी महोदय को राज्यपाल के नाम पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें अघोषित बिजली कटौती और किसानों को मुआवजा और किसानों के बिजली का सुधार करके उनको तुरंत सर्वे कराया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, इस विषय में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें अगर राज्य सरकार अपनी नींद से नहीं उड़ी है और नहीं खोली और काश्तकारों की नहीं सुनी है, तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा, सारा धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगा, चक्का जाम करेंगे और हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और सारे ग्रामीण जो एकजुट होकर